दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसा पोस्ट लिखना हो या फिर कोई ऐसी स्टोरी लिखनी हो जिसमें 1000-2000 वर्ड्स हो, तो भाई अगर आप इसे कीबोर्ड से लिखने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है। लेकिन मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में जो ये सारे काम आपके बहुत ही कम समय में कर सकती है। और मान लीजिए अगर आपको कोई भी किसी भी लैंग्वेज में आपको लिखना हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कोई सा भी लैंग्वेज हो, पूरे वर्ल्ड का कोई सा भी लैंग्वेज हो, वो सारे का सारा आप अपने वॉइस के थ्रू, मतलब आप अच्छे से उसे प्रोनाउंस करिए, वो सारा का सारा काम आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से आपका समय भी बचेगा और आप बहुत से कम समय में काफ़ी ज़्यादा स्टोरी भी आप लिख सकते हो बिना कीबोर्ड का यूज़ किए। तो इस वीडियो को जरूर देखना, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में। तो इन सारे वेबसाइट्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ पाए कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में जहां पे आप बहुत ही आसानी से अपने वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, जो पहला नंबर वेबसाइट है उसका नाम है स्पीच टेक्स्टर। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स है। अब जस्ट आपको स्टार्ट डिक्टेशन पर आपको क्लिक करना है, फिर ये कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा। जो भी आपका स्टोरी या फिर आर्टिकल्स हो, आप उसको आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो। आपको जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है, थोड़ा देर आपको रुकना पड़ेगा, फिर आपको बोलना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आपको स्टॉप पे क्लिक कर देना है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला, और एज इट इज़ हिंदी में लिख दे, क्योंकि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट था। अब मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करेगा उसमें। जैसे आपको इंग्लिश लिखना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, और मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको स्टार्ट बटन पे बस क्लिक करना है और 1 सेकंड के बाद आपको बोलना है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और उसके बाद आपको स्टॉप पे क्लिक कर देना है। और जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ बोला, एज इट इज़ ये टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको मिलते हैं कि आपको जो भी आपको लाइन या बोल्ड करना हो या फिर जितने भी, जैसे भी आपको करना है। अगर आपको सारा टेक्स्ट कॉपी करना है, जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल सी से आप कॉपी भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहोगे कि नहीं इसे हम टेक्स्ट में या फिर किसी डॉक फाइल में सेव कर ले, तो आप यहाँ से करके आप आसानी से टेक्स्ट में या डॉक फाइल में भी सेव कर सकते हो। जितने भी आपके वर्ड्स होंगे काफ़ी इसी तरीके से आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हो एज अ फाइल के फॉर्म में, फिर बाद में उसे आप कहीं भी यूज़ कर लो। अब दोस्तों, नेक्स्ट वेबसाइट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है dictation.io। दोस्तों, ये वेबसाइट बिल्कुल आपके एक नोटबुक की तरह ही दिखेगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉन्च डिक्टेशन पर आपको जब क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और ये वीडियोस भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको शॉर्टकट्स कमांड्स भी आपको देखने को मिलेंगे कैसे आपको इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना, और मैं यहाँ पे आपको छोटा बहुत, मतलब छोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे इसे यूज़ करना है, सिंपल सा। और जस्ट आप वहाँ पे लॉन्च डिक्टेशन पे आपको क्लिक करना है, और एक जैसा आपको नोटबुक दिखता है वैसे एक यहाँ पे पेज खुल जाएगा। और जस्ट आपको यहाँ से जो है जिस भी पैराग्राफ या जिस भी लाइन में जाना है वहाँ पे सेलेक्ट कर लो, और फिर यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। आपको फॉर एग्जांपल मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाते हैं, आपको लैंग्वेज की कोई कमी नहीं पड़ेगी। आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहें आप बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं इतने सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे पड़े हुए, मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। और फिर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, या फिर आप यहाँ जो माइक का आइकन बना हुआ है आप यहाँ पे भी क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो बोलना, या फिर आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे फिर बोलोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको बोलना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और उसके बाद दोस्तों आपको स्टॉप पे क्लिक कर देना है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अब एज इट इज़ जो भी मैंने बोला हिंदी में वो टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिख चुका है। अब बहुत ही आसानी से आप किसी भी अदर लैंग्वेज को भी आप यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप लिख सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी स्टोरी है, आप उसे टाइप नहीं करना चाहते हो, आपका समय बचाना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट से आप यहाँ पे अपने हिसाब से कॉमा कहाँ लगाना है, न्यू लाइन कहाँ लेना है, ये आप मुँह से, मतलब अपने कमांड से ही आप इसे बता सकते हो कि कैसे आपको क्या क्या करनी है। आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हो, या फिर यहाँ इतने सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, कॉपी, सेव का, या फिर पब्लिश का, ट्वीट का, प्ले का, या फिर ईमेल, जो भी करना चाहते हो आप यहाँ पे आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई आपको अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो सिंपल से वही आपको वापस से जाना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। मैं आपको इंग्लिश का दिखा देता हूँ कि कैसे इंग्लिश में वर्क करेगा।
तो आपको जस्ट सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सा प्रोसेस आपको इंग्लिश यूएस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको बोलना है इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, आप यहाँ पे जो भी मैंने बोला इंग्लिश में वो काफ़ी एज इट इज़ बिना किसी मिस्टेक के आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा चुका है। तो आप काफ़ी इजी तरीके से आप इसी तरीके से जो भी इंग्लिश के भी कोई आर्टिकल्स होंगे या फिर स्टोरी होंगे तो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको फुल स्टॉप या फिर कॉमा लगाना है या फिर न्यू लाइन में जाना है या फिर कोई सा भी ये सारे काम आप वॉइस से भी कर सकते हो। तो जो इसका जो वीडियो था स्टार्टिंग में वो वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता चल जाए और काफ़ी इजी तरीके से आप ये यूज़ कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट वेबसाइट का नाम है स्पीच नोट्स, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप काफ़ी इजी तरीके से कोई सा भी पोस्ट या फिर आर्टिकल्स जो भी है आप बिना कीबोर्ड का यूज़ किए आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी मतलब इससे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें बस यही है कि थोड़ा बहुत एड्स इसमें आते हैं, आप एड्स तो हटा ही नहीं सकते। तो जस्ट आपको यहाँ पे आप जाके यहाँ से चेंज कर लेना आपको लैंग्वेज। मैं आपको जैसे हिंदी लिख के दिखा देता हूँ, मतलब हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको स्पीकर पर क्लिक करना है, यहाँ पे अलाउ मांगेगा तो आपको अलाउ कर देना है। और फिर आपको बोलना है यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और फिर आप देख सकते हैं जैसा कि मैं हिंदी में बोला एज इट इज़ ये एकदम आपको हिंदी में लिख के दिखा दिया। तो बहुत ही आसानी से आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही आसानी से इंग्लिश हिंदी जो भी इंग्लिश हिंदी मराठी पंजाबी गुजराती जो भी वर्ड्स मतलब जो भी यहाँ पे लैंग्वेज अवेलेबल होंगे आप उन सभी लैंग्वेजेस को काफ़ी इजी तरीके से वॉइस के फॉर्म से सीधे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों बड़े ही आसानी से बड़े बड़े जो भी पोस्ट होगी स्टोरी होंगे आर्टिकल्स होंगे आप उन्हें बिना कीबोर्ड के यूज़ किए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख पाओगे। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन सारे वेबसाइट्स को क्रोम ब्राउज़र में यूज़ करें ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी जो फंक्शनैलिटी वो काम करे। और दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।